Hello everyone. You are welcome. Today I am going to discuss with you Class 8 Civics Chapter 16 Our Constitution, Rule and Law. My dear friends, as you know, family is the basic unit of society. If I ask you what is family, then uh, family is a wonderful institution where married couple lives. Uh, with their natural born children or adopted children, everybody knows. So family is the basic unit of society, and uh, society is a group of family. okay. So every society has norms. <coughs> a civilized society has a systematic code of conduct for all its members. civilized society may, उसके सदस्यों को एक क्रमबद्ध सिस्टमेटिक एक नियम कानून का पालन करना अनिवार्य है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल सच यूनिट लाइक सोसाइटी फैमिली और इवेन आवर नेशन ठीक है और सिस्टमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलोड बाय ऑल इट्स मेंबर लेट्स टेक एन एग्जांपल में वॉट वुड हैपन इफ वी Or don't follow the traffic rule while driving or walking on the road, every individual would feel unsafe. Okay, let's take another example while you are playing football. If you don't follow the rule of rule and regulation, then how can you play football? You can't play football. Okay, so

सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैंशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन जेंडर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस इकोनॉमिक स्टेटस जाति धर्म स्त्री पुरुष और सामाजिक और आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा कौन संविधान आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबडी इज रिक्वायर टू फॉलो ए स्टेट ऑफ रूल चाहे वो इफ बीट पीपुल गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय अस सभी हु हु गवर्न अस फॉर्म द गवर्नमेंट सभी को जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं हम लोग होते हैं सभी को रूल्स को फॉलो करना होता है ओके देन लेट अस मूव फॉर व्हाट इज डि डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज आस्क दैट क्वेश्चन इन एग्जाम सो हाउ कैन यू डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच The government ऑफ ए कंट्री फंक्शन ठीक है इट कंटेन द their एंड फंक्शन It इट ऑल्सो डिफाइन द राइट ऑफ citizen. तो हमारा संविधान क्या है एक फंडामेंटल रूल्स <coughs> है और जिसके द्वारा सरकार चलती है और यह सरकार के विभिन्न ऑर्गेन्स को के पावर को डिफाइन करती है और उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को भी बताती है जैसे लेजिस्लेचर एक्सक्यूटिव और जुडिशियरी के म्यूचुअल रिलेशनशिप और वो कैस क्या पावर है उनके पास ये भी बताती है साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन इट आल्सो डिफाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन ये नागरिकों के राइट्स को भी बताती है सो इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली ए सेट ऑफ रूल प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन बेस्ड ऑन विच अ गुशन एक मूलतः uh, एक सेट ऑफ रूल्स है सिद्धांत है गाइडलाइन है निर्देश है, है आ, जो आधारित होता है जिस पर हमारे गवर्नमेंट फंक्शन करती है ओके स्टूडेंट लेट्स मूव फॉर नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन As you know, India is a very vast country with various physical, cultural and social diversity. diversity Different people belong to different religion, they spoke uh, different languages uh, and life, they, they have different lifestyle, uh, <coughs> they follow different belief and actions, they take different foods. Uh, so, हेल्पस टू अराइव एट ए कॉमन कॉन्सनेस आवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्पस टू अराइव ए कॉमन कॉन्सनेस हमारे देश के डिफरेंट इतनी जो भिन्नताएं हैं उनको एक समान प्लेटफॉर्म में लाती है कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है एक कॉमन जो है व्यू पर सभी को लाती है ठीक है एक कॉमन आइडियाज को सभी को फॉलो करना होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन uh, हमें यह बताती है कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द आइडियाज वैल्यू एंड बिलीफ ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री जैसी हमारी सोच हमारी मूल्य और हमारी जैसा विश्वास है उसी के अनुसार हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ताकि किसी भी इंडिविजुअल को कॉन्स्टिट्यूशन पालन करने में कॉन्स्टिट्यूशन को के नियमों को पालन करने में तकलीफ ना हो The constitution serve several purposes. purposes यह हमारी बहुत सारी purposes को serve करती है. It's given in your book page 185. हाँ, दिए भी book. Define the, uh, define the nature of a political system. आपको पाँच याद रखना है. कोई भी पाँच. क्योंकि एवरी uh, हमेशा फाइव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामों में जैसे मेंशन एन ई फाइव परपसेस व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व टू वार्ड्स स्ट्रेंथिंग स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को मजबूती देने के लिए फाइव पर्पस के बारे में उल्लेख कीजिए इनमें से कोई फाइव पर्पस आपको याद रखना है डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पोलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड सर्ट एंड सिन गाइडलाइन दैट हेल्प इन द डिशीजन मेकिंग विथ अ डेमोक्रेटिक सेटअप ले डाउन रूल एंड रूल्स एंड प्रोवाइड्स एफ गार्ड अगेंट द मिसयूज ऑफ पावर अब्यूज ऑफ अथोरिटी विच लीड्स टू ग्रॉस इन जस्टिस बाई दो इन पावर गारंटीड सर्ट एंड राइट बेस्ड ऑन इक्वलिटी टू इस्टेब्लिश सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस ओके इंश्योर द माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव ऑफ द बेनिफिट्स एवलेबुल ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप्स हर एक माइनॉरिटीज ग्रुप को जिनकी जनसंख्या कम है उनको जो है मेजोरिटीज ग्रुप के जितनी राइट्स मिल रहे हैं वो उतनी उन्हें भी मिलें और इससे वो वंचित ना हो इसके लिए भी संविधान में प्रावधान है इंश्योर द मेजोरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटीज यह भी प्रावधान है कि मेजोरिटी ग्रुप्स माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर डोमिनेट ना करें गार्ड्स आवर नेशनल इंटरेस्ट जो भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसको गार्ड करें कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट फॉलो डजेंट अलाउ डिक्ट और बाय डिसीजन विच मे चेंज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होती है लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते कोई भी गवर्नमेंट ओके okay. या भी जो है और डिक्टेटरशिप यहाँ इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता प्ले कुर्सियर रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी आ टुआर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल जो भी डिजायर्ड गोल है पब्लिक का हो नेशन का हो उसको आ, जो है सेफ करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो ये पर्पसेस है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी फाइव आप इसमें याद रखेंगे ओके स्टूडेंट देन Move to Constituent Assembly. Uh, Very state question always asked in exam. Huh. So, yes, yes, describe the composition and contribution of Constituent Assembly. So, what is Constituent Assembly? <clears throat> India's constitu constitution was prepared by the Constituent Assembly.

कॉन्स्ट्यूट ऑफ मेंज रिप्रजेंटेटिव ऑफ माइनॉरिटीज द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ओमेंस एंड लीगल एक्सपर्ट इसमें सारे ग्रुप्स थे रिप्रेजेंटेटिव थे माइनोरिटीज के पोलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट मबर्स थे वोमेन का भी पार्टिसिपेशन था वीकर सेक्शन का भी पार्टीसिपेशन था और लीगल एक्सपर्ट भी थे द असेंबली फर्स्ट मिट ऑन नाइन्थ दिसंबर 1946 एंड कंप्लीटेड इट्स वर्क ऑन 26 नवंबर 1949 1949 में ये जो है अपना वर्क कंप्लीट करके कंप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम फ्रेम बाय द असेंबली कैमिन टू द फोर्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो लागू हुआ 26 जनवरी 19 50 so i assign question for you my dear uh, friends describe the composition and contribution of the constituent assembly of india define constitution why does a country needs a constitution thank you for uh, listening and watching me